हेलो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ मिनी लैप। कार का मॉडल तो मिनी लैप दिया है, लेकिन ये एक बग्गी टाइप है। तो मैंने जब देखा, मुझे इसका डिज़ाइन कलर काफ़ी कुछ ज़बरदस्त लगा, तो मैंने सोचा कि इसे लेता हूँ और अनबॉक्स करता हूँ, बताता हूँ आपको किस तरह की कार है ये। तो ये कार का मॉडल बग्गी है। इसके प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर का नाम दिया है लूमो ब्रिलियंट टॉयज, और यहाँ पे दिया है इसकी बैटरी जो है इनबिल्ट नहीं रिचार्जेबल बैटरी है। तो 3.7 वाट लिथियम बैटरी, 500 mAh फॉर व्हीकल इनबिल्ट बोल के दिया है। तो देखते हैं इसको अनबॉक्स करके। और यहाँ पे दिया है ये 6+ ईयर्स एज के लिए है। तो इसको फटाफट से हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं किस तरह का कार है ये। तो जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, कार कितना बढ़िया लग रहा है। कार को देखने से ही लगता है कि कार का लुक काफी बढ़िया है। अंदर एक राइडर को भी दिया है, और आप जैसे कि देख सकते हो बॉक्स में एक रिमोट है और USB केबल है एक रिचार्जेबल बैटरी को चार्ज करने के लिए, और ये एक छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह का कार है ये। तो गाइस, आप देख सकते हो कार का कलर कितना बढ़िया है, इसका डिजाइन कितना बढ़िया है। कार का जो है इतना वेट भी ज़्यादा नहीं है, लाइट वेट कार है। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा डिज़ाइन है। कार का टायर का ग्रिप भी काफ़ी अच्छा है, और ये कार जो है रबर के हैं, टायर जो है ये रबर के हैं, लाइक ये रबर है, फ्लेक्सिबल है ये। और कार का मॉडल तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है ये। और यहाँ पे एक पीछे बैठने के लिए भी यहाँ एक सीट दिया है यहाँ पे, लाइक ये पबजी का बग्गी लग रहा है। पबजी में भी सेम ऐसे बग्गी होता है, अंदर पे एक राइडर होता है और एक पीछे बैठने वाला एक और एक प्लेयर होता है। तो उसी तरह का रिमोट कंट्रोल गाड़ी लग रहा है। और जैसे कि ये कार का रेशियो जो है 1.20 स्केल का इसका रेशियो है कार का ये। तो ये कार मैंने लोकल स्टोर से लिया है, ये 500 में लिया है मैंने। प्राइस भी इसका रीजनेबल है, इतना महंगा नहीं है इसका। लेकिन क्वालिटी, मैं जैसे होल्ड कर रहा हूँ कार, तो होल्ड करने से पता चलता है कि क्वालिटी कितना अच्छा है इसका। क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और इसका ज़्यादा वेट भी नहीं है। तो ये वेट कम रहने से जहाँ तक मुझे लगता है ये कार का स्पीड भी काफ़ी अच्छा होगा, और काफ़ी कुछ ये ऑफ रोडिंग के लिए भी सही चलेगा। ड्रिफ्ट भी कर सकते हैं इसमें। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें बैटरी कैसे डालते हैं। और ये रिमोट में दो AA साइज बैटरी आते हैं, तो मैं आपको यही बताता हूँ कैसे डालना है। और ये स्क्रू ड्राइवर देके काफ़ी बहुत बढ़िया काम किया है मैन्युफैक्चरर ने, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है, वरना फिर स्क्रू ड्राइवर के लिए हमें थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें 2 AA बैटरी आते हैं। रिमोट भी काफ़ी अच्छा बनाया है, इसका डिज़ाइन, इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। रिमोट का है लो क्वालिटी नहीं, काफ़ी अच्छा हेवी लग रहा है रिमोट ये। मैन्युफैक्चरर ने क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और इसमें एक रिचार्जेबल बैटरी है, मैं वही बताता हूँ आपको किस तरह का बैटरी है और उसे किस तरह कनेक्ट करना होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस तरह का रिचार्जेबल बैटरी होता है, यहाँ पे कनेक्टर होता है। अगर हम इसको चार्ज करना होगा तो यहाँ पे कनेक्टर को रिमूव करके ये जो USB केबल दिया है इसको यहाँ पे कनेक्ट करना होता है, और ये जो है अपने चार्जर में अडाप्टर में कनेक्ट होता है ये USB पिन। तो इस तरह से चार्ज होता है, और इसको चार्ज करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, 30 मिनट्स अगर आप इसको चार्ज लगाएंगे तो बैटरी फुल हो जाएगा।
और ये यूएसबी केबल में एक अच्छा ऑप्शन होता है, यहाँ पे एक अंदर लाइट इंडिकेटर देता है, जैसे ही बैटरी डाउन होगा अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे यूएसबी है ये केबल में आपको रेड कलर का लाइट ब्लिंक हो, जैसे ही आपकी बैटरी फुल हो जाएगी तो लाइट ऑफ हो जाएगी, तो उससे आपको पता चलता है कि मेरी बैटरी फुल हो गई है, तो आप इसे डिसकनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इसमें भी लाइक सेल डाल दिया और बैटरी कनेक्ट कर दिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइक इसमें यहाँ पे ऑन का ऑप्शन है और यहाँ रिमोट में भी दिया है ऑन का ऑप्शन, हम इसको भी ऑन करते हैं। ये रिमोट में रिवर्स का बटन है और ये फॉरवर्ड का बटन है और ये है लेफ्ट राइट मूवमेंट का बटन है ये। जैसे आप देख सकते हो ये रिमोट भी काफी हैंडी है और इसको ये आगे जाने का बटन है, पीछे जाने का बटन है, राइट लेफ्ट। कार का पावर भी काफी बढ़िया है, कार का पावर काफी बढ़िया है, जैसे कि आप देख सकते हो ये कार इजीली ड्रिफ्ट हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो गाइस कार का पावर काफी बढ़िया है, मैंने आपको टेस्ट करके बताया है, कार काफी लाइट वेट है जिससे कार का पावर काफी बढ़िया है, कार ड्रिफ्ट इजीली कर पा रही है, तो ये काफी अच्छी बात है। और कार का जो है मतलब साइज भी छोटा है, तो वो भी एक रीजन है कार में पावर होने का। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक रैंप बनवाया है, टायर का लाइक ग्रिप भी अच्छा है, तो मैंने कार को एक स्लाइडिंग पोजीशन पर रखा है जिससे लेकिन कार पीछे साइड नहीं जा रहा है, कार का ग्रिप अच्छा है, कार काफ़ी स्टेबल है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने ये टेस्ट किया था, लाइक कार का पावर टेस्ट करने के लिए मैंने एक रैंप बनवाया था, पर वो कार रैंप नहीं चढ़ पा रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी एक टेस्ट करता हूँ, लाइक देखते हैं इसमें कितना पावर है, ये रैंप चढ़ पाती है नहीं, लेट्स सी। तो गाइस जैसा कि आपने देखा है कार काफी इजीली रैंप चढ़ पाई, तो इससे आपको अंदाजा लगता है कि कार कितना पावरफुल है और कितना लाइट वेट है, कितना अच्छा इसका क्वालिटी है लाइक, और कितना पावर है इसमें जिससे काफी अच्छा मतलब ये ड्रिफ्ट कर पा रहा है और ये रैम्प पे भी काफी इजीली लाइक चढ़ गया। तो गाइस देख सकते हो मैंने ये एक चैलेंज रखा है पावर टेस्ट करने के लिए, तो मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी मैंने ये एक टेस्ट किया है लाइक दो तीन कार के साथ ये चैलेंज, पर वो चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाया है। लाइक मैंने यहाँ पे एक ब्रिज बनाया है, वहाँ पे भी एक ब्रिज है, यहाँ पे इतना गैप रखा है लाइक कार जंप कर पाती है या नहीं। तो ये कार भी जंप नहीं कर पा रही है, जब मैं जंप कर पा रहा हूँ मैंने एक चीज नोटिस की कि इसका लैंडिंग काफी अच्छा है, इसका लैंडिंग अच्छा रहने का रीजन जैसे कि आप देख सकते हो इसका टायर रबर का है और ये लाइक दब रहा है तो काफी फ्लेक्सिबल है ये, इसकी वजह से जब ये कार जंप कर रही है तो इजीली लैंड कर रही है जमीन पे, तो इससे क्या है कार डैमेज भी नहीं होगी, ये कार भी काफी रफ एंड टफ है यूज के लिए, तो ये 6+ एज के लिए है, मैं तो रिकमेंड करता हूँ ये बच्चों को लेने के लिए, इसका प्राइस भी लाइक रीजनेबल है, क्वालिटी भी अच्छी है, पावर भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं काफ़ी अच्छे अच्छे टॉयज लाता रहूँगा, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।